और जब वीनस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में लग्जरी लाइफ, स्टेटस, आपको अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल और जितनी भी जिंदगी औलाद मोहब्बत है ना, आपके मामले में बेहतरी आ सकती है, आपको प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, लॉटरी निकल सकती है, उसका रिजल्ट मिल सकेगा, और जितने भी कोई शख्स वजायफ अमलियात करते हैं उसका रिजल्ट भी उसको मिल सकेगा। तो भी हम इसमें टॉप 5 बुर्ज निकाले हैं जो कि खुशकिस्मत बुर्ज हैं जिनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर हम रूहानियत की बात करें और वज़ाइफ की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो उसमें ये हमें बड़ा ज़बरदस्त सदकात भी बताते हैं, पढ़ने के लिए भी बताते हैं, और बड़ा अच्छा हमें एक नॉलेज ये देते हैं। आज का टॉपिक जो इनके साथ हम करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं। वज़ाइफ से मौजूदात भी मेरा चैनल है, वज़ाइफ से मौजूदात फलक शेख लिखेंगे तो उसको भी आप जाके सब्सक्राइब और प्यार करें। आपका अपना चैनल है, उस पर भी पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं। लेकिन नाज़रीन, आप लोग भी कहते होंगे कि ये नई चीज़ निकाल के फलक शेख ले आता है और उस पर हमें गाइड करता है। देखें, बेसिकली ये जो योग लगते हैं, एस्ट्रोलॉजी की जो डेप्थ है ना, मैं चाहता हूँ कि उसमें जाके हमें देखना चाहिए प्लैनेट की क्या क्या पोजीशन है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं ये चीज़ों को, आपके सामने प्लैनेट आ जाएगा। कभी भी कोई हवा में तीर नहीं मतलब चलाते, कोई आपको गलत बयानी नहीं करते। मैं चाहता हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, जब मेरी वीडियो देखें उनको नॉलेज मिले, उनको बेनिफिट हो। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं आप मेरे सबके देखते हैं, जावा साहब भी हैं, एम ए शामी साहब हैं, हैदर जाफरी हैं और भी हैं, सब काबिले एहतराम है। तो सबका जो नॉलेज होता है, मेरी कोशिश होती है वो नॉलेज लेके आप तक पहुंचाना, उसमें बेनिफिट मेरा भी होता है, आपका भी होता है, सबका होता है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है, तभी आप लोग प्यार करते हैं। तो आज का टॉपिक है मलाविया योग के नाम से हम करेंगे, क्योंकि ये मलाविया योग जो लगने जा रहा है, मैं फिर कहूँगा मलाविया योग, इसको पढ़ते हैं ना, मलाविया योग पढ़ेंगे। और ये कब लग रहा है, इसको कहते क्यों हैं मलाविया, ये मलाविया क्या मतलब अंगार है, क्या चीज़ है, ये सारी बातें एम ए शामी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए क्लियर किया लोगों को, लोग कहेंगे पता नहीं कोई एम ही नाम निकालता है, कल को कहेगा जी कि ये लैंप योग है तो इस पर भी प्रोग्राम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ लगती है तो इसलिए हम लोग वो टॉपिक कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी सर। ये ज़रूरी होता है, कुछ जो नए लोग हैं उनको नहीं पता सर, आम बंदे को, मुझे भी नहीं पता था पहले। देखिए ऐसा है कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का, गूगल का, कुछ छुपे नहीं रह सकते। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, इल्मी तौर पर डिस्कस करते हैं, उसको एक सेकंड में आप गूगल पर सर्च कर लें। हाँ ठीक है, कोई बात छुपी तो नहीं किसी के सामने, इल्मी बात है, इल्म को छुपाने, लेकिन ये नहीं पता लगेगा टॉप मोस्ट कौन से हैं। देखिए वो बात, देखिए जो रिसर्च करेगा उसी को पता चलेगा। अब मेरी मेहनत होती, रिसर्च होती है, रातों को सारा कुछ रिसर्च करके तैयार करके, जो लोग मेरे से प्यार करते हैं मैं कहता हूँ कि अपनी रिसर्च उनसे शेयर करूँ, नॉलेज शेयर करूँ, ताकि कोई बेनिफिट पहुँच सके। देखें ये इल्म नजूम जो एस्ट्रोलॉजी है, खुसूस वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इन डेप्थ डिटेल बताती, इतनी गहराई बताती है कि आपकी पेंडिंग कर्मास, आपके साथ हालात वाकत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है, क्या कौन से आपने एक्टिविटीज़ की थी जिसका ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो ईच एंड एवरी थिंग आपको उसमें डिस्कशन होती है। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी करता था, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ कि इसमें इन डेप्थ डिटेल आती है और बहुत गहराई है और बहुत हकीकत है, उसको मैं खुद अपने लाइफ पे भी अप्लाई किया और अपने क्लाइंट्स पे भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये मलाविया योग जो बेसिकली होता है कि उस वक्त बनता है कि जब वीनस से बनता है, वह हमारे पास महापुरुष योग होते हैं जिसमें वीनस का जो योग होता है उसको मलाविया योग कहते हैं, और ये उस वक्त बनता है कि जब ये बुर्ज सौर के, मैजान के और हौद के केंद्र के घरों में आता है। ठीक है, केंद्र का घर होते हैं कि जायचे के 12 घरों में जो पहला, चौथा, सातवां, दसवां घर, उसको केंद्र के घर कहते हैं। तो उन घरों में ये अच्छी हालत में हो, नहुसों से पाक हो, और अगर उनमें आ भी जाए तो तब भी उसका रिजल्ट मिलेगा, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, प्लैनेट की मूवमेंट या उसकी डिग्री वाइज या उसकी कंबशन या उसके ग्रुप के लिहाज से देखा जाएगा। लेकिन जब अच्छा सितारा अपनी अपने ज़ाती बुर्ज में आता है तो कुछ ना कुछ मुस्बत रिजल्ट ज़रूर देता है। तो अब इनको चेक करेंगे, ये योग बन रहा है, कब से बन रहा है, कितने दिन रहेगा ये, तो 19 मई से लेकर 13 जून तक रहेगा ये योग। 19 मई से ठीक है 13 जून तक, 13 जून तक इसका टाइम शॉर्ट है, 2024 में ही। अच्छा, जो लोग जानना चाहते हैं 2024 का सर रहेगा तो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए बेनिफिशियल कुछ टाइम तक आपको पता लग जाएगा। 13 जून से 19 मई से 13 जून तक रहेगा। ठीक है, देखिए वीनस की प्लेसमेंट है, देखें कुछ सितारे जो हैं जिनका तलक बरास्त पैसे से है, वसाइल से है, लग्जरियस से है, आप जितनी लग्जरी चीज़ें आती हैं, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, गाड़ी, बैंक बैलेंस, गाड़ी कोठी लेना चाहते हैं, ये इसके लिए योग बेनिफिट है चीज़ें, मलाविया योग, मलाविया योग।
लेकिन जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं, जितने भी अच्छे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, उनके जहचे में वीनस बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर आपको अच्छा शरीक हाथ चाहिए, खूबसूरत शरीक हाथ चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको अच्छी औलाद चाहिए, तो सब में वीनस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने भी लोग डिप्लोमेट होते हैं उनके जहचे में वीनस बड़ा स्ट्रांग होता है, जितने लोग जिंदगी में आगे सक्सेस ग्रोथ आएंगे उनके जहचे में वीनस स्ट्रांग बहुत ज़्यादा होता है। और जब वीनस स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ स्टेटस, आपको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल और जितनी भी जिंदगी खूबसूरती है, जितनी आसाइश की चीज़ें आपको मिल सकेंगी। तो अब ये है कि जो ये 12 बुर्जों के लिहाज से, तो भी हम इसमें टॉप 5 बुर्ज निकाले हैं जो कि खुशकिस्मत मजबूत बुर्ज हैं, जिनको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे। बाकी भी उन बुर्ज को भी उनके घरों के लिहाज से बेनिफिट पहुँचेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि 5 बुर्ज उसकी अहमियत के हामिल हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। जी जी, बाकी ये इस तरह समझ लें कि अगर इन बुर्जों को 70% होगा तो इफेक्ट आएगा, तो अच्छा। अगर बाकी बुर्जों को तो 40% आएगा इफेक्ट की चीज़ें। अच्छा अच्छा, जो नहीं है डिस्कस होंगे वो उनको 40 आएगा और जो डिस्कस करेंगे उनको 70-80 आएगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पैदाइशी जाँचे में वीनस की पोजिशन बेस करेगी कि वीनस कितनी डिग्री पे है, कौन से नक्षत्र पे है और कौन से हाउस में है, उसके 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 उससे पहले कौन से घर में कौन से हैं, उसके फ्रंट और अगले घर में कौन से सितारे बैठे, बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर आपके इंडिविजुअल जाँचे की रीडिंग तैयार की जाए। चलें, ठीक है। तो अब ये उसमें हम देखेंगे, इसमें हम अल्फाबेटिक नेम भी बताएंगे। हाँ जी, अल्फाबेट लोगों के नाम भी और सर बुर्ज भी। देखें, जो खुशनसीब बुर्ज में, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं बुर्ज सोर को। ठीक है, टॉरस के अपने ऑन साइन में आ रहा है, बस में या फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो फर्स्ट हाउस में वीनस को जब एक्टिवेशन हो रही है, क्योंकि वीनस जो प्लेनेट है आपका फ्रेंस से तलक रखता है, वसायल से तलक रखता है, मादियत से तलक रखता है, तो फ्रेंस टॉरस जो साइन भी इसी चीज़ को रूल करता है। आपने जितने फूड से मुतलक होते हैं, जितने फ्रेंस से मुतलक मामला होते हैं, जितने फैमिली लाइफ से मुतलक इशूज़ होते हैं, वो सारे टॉरस से देखे जाते हैं। तो टॉरस साइन एक्टिवेट हो जाएगा, टॉरस स्ट्रांग हो जाएगा, उस लिहाज से आपको बेनिफिट होगा उस लिहाज से, और आपके लिए नई आपके आपको नई लाइफ में लग्जरी से दूसरी मामला में आसानी पैदा होगी, सारे मामला में आपकी ग्रोथ रखी हो सकेगी। उसके बाद टॉरस के हरूफ भी बता दूँ, बे और वाव, लेकिन ये अल्फाबेटिकल बनते हैं, ये हरूफ वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा साइन जो है वाटर साइन है, उनके 11th हाउस में आएगा, हाउस ऑफ गेन में आएगा। ठीक है, और हाउस ऑफ गेन के लिहाज से बेनिफिट होगा कि आपने आपको सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा, आपके लोगों से रिलेशनशिप बेहतर होगा, बॉन्डिंग बेहतर होगी, आपने माजी में जो एक्टिविटीज़ की थी, हार्ड वर्किंग की थी, उसका रिजल्ट मिल सकेगा, और जितने भी कोई शख्स वजायफ अमलियात करते हैं उसका रिजल्ट भी उसको मिल सकेगा। तो यह भी गैरवें घर से देखा जाता है, तो सारे मामलों में बेनिफिट मिलेगा, इनकी ग्रोथ तरक्की कामयाबी हो सकेगी। और सरतान के लिहाज से हे कैंसर की बात करें, हाँ कैंसर हे और छोटी हे के अल्फाबेटिकल यूज़ होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं इससे। अच्छा, क्या इनके बेनिफिट्स इनको किस चीज़ के मिलेंगे? बेनिफिट ये मिल सकते हैं कि जो लाभ मिलेगा, हासिलात मिलेंगे, तरक्की कामयाबी मिलेगी, लेकिन बेनिफिट ये होता है कि जो गैरवा घर होता है ना, वो हम देखते हैं किसी चीज़ का आउटकम। ठीक है, यानी मसलन आपने एक जॉब की, ठीक है, आपने स्टडी की, ये कोई काम किया, उसका जो आउटपुट है ग्यारहवें घर से देखी जाती। अच्छा, ठीक है, तो जो आपने माजी में जो एफर्ट की थी कि लोगों को ब्लॉकेज थी, काम उनका नहीं चल रहा था, या जो अपने एजुकेशन अच्छा टाइम नहीं आ रहा था, तो अच्छा, वो अच्छा अच्छा टाइम आ जाएगा, यानी उनको रिजल्ट मिल सकेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकेंगे इससे। ठीक है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव 19 मई से 13 जून तक कैंसर भी फायदा उठा सकते। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है वर्गो वाले हैं, वर्गो हाँ 9th हाउस में आएगा, लाभ है। ये 9वां घर जो होता है आपकी किस्मत आवरी का होता है, नसीब आवरी का होता है, रूहानियत का, रूहानियत का होता है, आपके सफर का होता है, इन तमाम मामलों में इनको ग्रोथ। एस्ट्रोलॉजर से मैं ही बन गया। आपने कोई स्टॉलर छोड़ा भी तो नहीं, सबके साथ सबसे इंटरव्यू करते जा रहे हैं, आपको नॉलेज इन्हेंस होगा, तरक्की होगी आपकी भी। मैं भी रख लूँ एम ए फलक शेख जी, रख सकते हैं आप बिल्कुल किसी भी अपना भी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी का बना लें आप, ना सर ये अपना ही है सारे अपने आप भी अपने जी, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वर्गों को फ़ायदा हो रहा है, वर्गों वालों को फ़ायदा होगा। नहीं, ट्राइन एक्टिवेट होती है, ट्राइन के लिहाज से जो मखसूस घर होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस है, 11th हाउस है, 9th हाउस है, ये अच्छे घर हैं, यहाँ से गेंस मिलते हैं आपको सिलसिला, तो ये एक्टिवेट होंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। अभी अगला बुर्ज है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के स्कॉर्पियो 7th हाउस में, 7th हाउस। वर्गों का थोड़ा मैं चाहूँगा डिटेल में बता दें, लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, वर्गो का जो है ना, जब एक्टिवेट होगा तो 9वां तीसरा घर दोनों एक्टिवेट हो, यानी वीनस के सामने जो दूसरा अगला घर है वो थर्ड हाउस होता है, वो भी एक्टिव है, तो आपके मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से बेनिफिट हो गए, आपके जितने करीबी रिश्तेदारों को बहनों के साथ तलाकात में बेहतरी आएगी, उनसे गेन मिल सकता है आपको सिस्टम, आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है, उस्ताद मिल सकता है, रूहानियत, मेडिटेशन, कानूनी मामला,
بیرون ملک سفر اعلیٰ تعلیم اس سارے معاملات میں بینیفٹ ہو سکتا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور ان کے الفابیٹیکل ہوتے ہیں کاف اور چھوٹے کینچی والا کاف دونوں کا نام جن کا اسٹارٹ ہو اسٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگلا بوٹ جو ہم کہیں گے اس کو اسکارپیو ہے سیونتھ ہاؤس میں آئے گا سیونتھ ہاؤس میں جب وینس ایکٹیویٹ ہوگا تو دیکھیں پلانٹ کے سامنے ایک سیونتھ ہاؤس ایک گھر ساتواں اور اس کا اپوزٹ دوسرا پہلا گھر تو دونوں گھروں پہ اس کے یہ پلانٹ دوسروں کو دونوں کو دیکھے گا تو آمنے سامنے جو دونوں گھروں کو انرجی ملتی ہے سے تو سیونتھ گھر جو ہے انرجی جب لے گا تو آپ کو اچھا شریکیات مل سکتا ہے خوبصورت شریکیات مل سکتا ہے اسکارپینس کو اسکارپینس کو ٹھیک ہے کوئی لگژری لائف آپ کے لیے لائف میں آ سکتی ہے اس کے ساتھ آپ زمین جتنے بھی بزنس ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں ان میں گروتھ ہو اچھا آپ کو بزنس پارٹنرشپ ہو سکتی ہے یہ سارے معاملات میں نے اچھا اسکارپیو کا تھوڑا نا پچھلے سال 2023 سے لے کے اب تک بڑے ٹینشن میں گزرا ہے مالی معاملات کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اوور آل بھی اسکارپینز ادھر ادھر میرے دوست یار بھی ان کی بھی پرابلم رہی ہے اب انہوں نے بزنس بھی اسٹارٹ کیے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بینیفٹس اب بنیں گے بزنس کے ٹائم ان کا یہ اس ٹائم تھا یہ جو ملائی والا کیا تھا سوری ملاوا یوگ یہ بینیفٹ دے گا دیکھیں اسکارپیو کو دو طرح سے بینیفٹ ہو رہے ہیں ایک تو ان کے سیونتھ ہاؤس میں جوپیٹر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ڈسکس کیا دھن یوگ کے لحاظ سے پچھلی ویڈیو میں اور اسی طرح اسی جگہ پہ ہی وینس بھی آ رہا ہے تو وینس اور جوپیٹر دونوں کی کمبینیشن بنے گی تو بڑا اچھا یہ رزلٹ ہے اس کو رزلٹ ملے گا جیسے جیسے ستارے ڈگری وائز اسٹرانگ ہوں گے کمبنشن سے نکلیں گے اسٹرانگ ہوں گے تو ان کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو بینیفٹ ہوگا اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح جو اگلا برج ہے جدی کیپریکون ان کے ففتھ ہاؤس میں آئے گا ففتھ ہاؤس میں آئے گا تو آپ کو جو آپ کی لائف بیٹر میں آپ کو اچھا شخص مل سکتا ہے جو کہ جس کے ساتھ آپ جذباتی معاملات میں بہتری آ سکے کیپریکون کیپریکون کے لحاظ سے ریلیشن شپ بہتر ہوگا آپ کے تعلقات میں بہتری ہوگی اولاد محبت ہے نا آپ کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے آپ کو پرائز بانڈ لے سکتے ہیں لاٹری نکل سکتی ہے کیپریکون کی جی یہ ساری اس ٹائم میں لینی ہے انہوں نے آج اس ٹائم میں لینی ہے بہت سارے جو آئس بانڈ اور لاٹری کا پوچھ رہے ہیں اس سے لے کے 13 جون تک ٹائم ہے کیونکہ یہ جو کیپریکون ہے ففتھ ہاؤس کے ٹرائن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ففتھ ہاؤس لاٹری انعام کا بھی ہوتا ہے کس حد تک اماؤنٹ نکل سکتی ہے اگر یہ تو ہر پرسن کے ذائچے میں ڈفرینٹ اس کا ویریشن ہے ڈفرینٹ دیکھیں جتنا ذائچے میں لاٹری بھی آتی ہے جی بالکل آتی ہے ففتھ ہاؤس آپ کا لاٹری ہوتا ہے ایٹ ہاؤس کا سڈن گینز ہوتا ہے ففتھ اور ایٹ کا کمبینیشن بنا سڈن گینز ایسے لوگ اکثر لاٹری پرائز بانڈ نکلتے رہتے ہیں اب محلے میں جا کے اب 10 روپے والی لاٹری ہے لیجیے گا سلنٹی نکل آئی بڑی لاٹری کی بات ہو رہی ہے جی دیکھیں اس وقت تو ایک تو ہم بنائے جاتے ہیں عملیات بھی کیے جاتے ہیں لوہے نامی بانڈ بھی بنائی جاتی ہے اسی طرح اور جوپیٹر کے تلسم بھی بنائے جاتے ہیں وینس کے تلسم بھی بنائے جاتے ہیں یہ چیزیں یہ ساری چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں جوپیٹر کے تلسم اور وینس کے تلسم بنائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں بینیفٹ مقصد یہ کہ جہاں پہ جوپیٹر وینس کی کمزوری ہے ان کو انہینس کیا جائے ان کو بہتر کیا جائے اور رزلٹ اورینٹیڈ آپ کو رزلٹ مل سکے اچھا لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اسٹرالوجر کو سارا پتا ہے لاٹری نکل آتی ہے ایسے ہو جاتا ہے تو خود کیوں نہیں مطلب نکالتے ہیں ہم کیوں نہیں نکالتے کیوں نہیں نکالتے اللہ کا شکر ہے دیکھیں علم وہ کیا جس سے آپ کو خود نہ فائدہ ہو خود فائدہ نہ ہو سکے پہلی بات تو پہلا جو ہم خود ٹرانزٹ بنائی ہے وہ خود کٹنگ تو اپنی نہیں کر سکتا وہ کسی سے وہ کٹنگ نہیں آپ کا بھی اسٹرالوجر ہے کوئی نہیں ہمارے تو دادا استاد ہمارے بزرگ ہمارے سمجھا گئے سارے کو اور ہم نے اب جو ہمارے ساتھ روحانی مشاورت ہوتی ہے وہ ہم استخارے یا روحانی معاملات کے ذریعے ان سے لیتے سلسلہ سے وہ ہمارا ایک الگ معاملہ ہے ایک چیز سے اچھا اچھا وہ اب یہ جو ہے نا کہ جب علم سیکھ لیتا ہے تو وہ علم آپ کے لیے بیکار ہے جس کو آپ استعمال نہ کر سکے تو ہم تو پہلے ہی ٹرانزٹر اس چیز نظر میں رکھتے ہیں کہ یہ یوگ بننے لگا ہے اور اپنے ذائچے کے مطابق یہ کہ آپ کے لکی نمبرز ہیں یہ قسمت ہے کوشش پوری کرتے ہیں بعض اوقات بڑا بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات چھوٹا بھی لگتا ہے لیکن نکلنے کے میکسیمم امکانات ہوتے ہیں اس میں فوڈ بھی آ جاتا ہے ہمارا کہ ہمیں کیا چیز بینیفیشل ہے کھانے والی کون پینے والی بالکل ہماری صحت کے لیے دیکھیں آپ کے کپڑے کس کلر کے پہننے ہیں آپ نے کس کمرے میں رہنا کس کلر کے کمرے میں رہنا ٹھیک ہے اس کی نظر سے آپ کی بیڈ شیٹ کا کلر کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کون سی خوشبو استعمال کرنی ہے وینس کی انرجی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اور ایک ریمیڈی بھی بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ پہ ابھار زہرا ہوتا ہے یہ چیز ہے یہ وینس کو کنٹرول کرتا ہے چیز ہے یہ ابھار اسٹرانگ ہو تو آپ کا وینس بھی اسٹرانگ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اپنی وائف کا نام وینس رکھ لیں کنٹرول ہوگا اچھا تو یہ وینس اسٹرانگ ہوگا تو یہاں پہ آپ نے جو کیے کرنا ہے کہ خوشبو یہاں پہ لگانی ہے اچھا یہاں پہ لگانا عطر لگانا آرگینک عطر ٹھیک ہے جو آپ کے رولنگ پلانٹ کا جو ہے عطر ہے اس کو یہاں پہ لگانا میں چاہوں گا کوئی عطر کا نام بتائیں جو زوڈیک سائن یہ جو آپ نے بتائے ہیں ٹورس کینسر ورگو اسکارپیو کیپریکون جی ان کے لیے اس میں آرگینک عطر استعمال کریں عطر مشک استعمال کر سکتے ہیں عطر عود استعمال کر سکتے ہیں یہ بیسٹ آرگینک عطر ہیں ان کو استعمال کریں وینس اسٹرانگ آپ کا یہ ابھار اسٹرانگ ہو جائے گا وینس اسٹرانگ اچھا خوشبو کو لائف اسٹائل میں استعمال کریں کان میں روئی لگا کے نا خوشبو عطر لگا کے کان میں
कान में पे लगा के कान में डाल, कान में डालें सिस्टर, ठीक है, उसकी स्मेल जो है ना आपकी नाक से नहल होगी सिस्टर। अच्छा अच्छा, खुशबू लगाने से रूह की ताकत बढ़ती है, खुशबू लगाने से रूह की ताकत बढ़ती है, चीज़ें जहानत भी बढ़ती है, रूह की ताकत भी बढ़ती है। और रूह की ताकत और भी बता दूँ, अब बहुत सी राज की चीज़ें, बहुत आमदानी शुरू हो जाती है, फिर उसको करी चीज़ें, तो ये कि आप किसी चीज़ को, आप पानी गिर रहा हो आबशार से, उसमें जो चीज़ सिंक्रोनाइज करेगी उसको मुसलसल देखने से वो भी रूह मजबूत होनी शुरू हो जाती है, नेचर के करीब रहने से रूह मजबूत होती है। इसलिए अब देखो जितने भी औलिया कराम थे वो नेचर में रहते थे, पहाड़ों पे, जंगलों में, अलहदा तन्हाई में, खलवत में, ठीक है, क्योंकि उसको एनर्जी देने के लिए एक तो केतु की एनर्जी भी बढ़ जाती है और वीनस की और आपकी रूह की एनर्जी भी बढ़ जाती है सिस्टर। तो जब रूह के साथ आप एनर्जी एनर्जाइज हो जाती है तो आपको गैप से इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। बल्कि खुशबू वाला टॉपिक हम अलहदा से शामी साहब के साथ करें, इंशाल्लाह। शामी साहब बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया, ये एक्सोटिक साइन है, इनको 70-80% बिल्कुल बिल्कुल। ये मलाई वाला जो क्या था, मलाविया योग, मुँह पे नहीं चढ़ रहा, मलाविया योग, मलाविया योग योगा जो है, इससे बेनिफिट होगा। मैं चाहूंगा, फोन आपके पास है उधर मेरा, तो वो बजरा था नाज़रीन, इस वजह से हमने उठा के उधर रखा है, वो फिर डिस्टॉर्शन होती है, तो मैं चाहूंगा ये फोन शामी साहब का ही है क्योंकि मेरा तो सामने लगा हुआ है। तो अब हम आपके कमेंट्स जो हैं, जो प्रीवियस वीडियो के थे, जो रह गए थे, वो हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। सैयद वाहिवद अहमद 17 नवंबर 1976 कराची बॉर्न, प्लीज लाइक टू नो अबाउट दिस बिजनेस। कौन सा बिजनेस करते हैं? ये नहीं इन्होंने बताया, वो अपने बिजनेस के हवाले से पूछ रहे हैं। 17 नवंबर 1976 डेट ऑफ बर्थ। नाम क्या उनका? वाहिवद। वाहिवद, वाहिवद लिखा तो यही हुआ है, अब मे बी स्पेलिंग ना गलत हूँ, WAHWED। उसके बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव वेरिएशन हैं, उनको आप रेमेडाइज करें ताकि फिर जगह का भी मसला है इनका थोड़ा सा। अच्छा, जगह तब्दील करें, जगह में भी थोड़ा नेगेटिव एनर्जी हो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फलक, मेरे हस्बैंड लियो और मैं क्वेरियस हूँ, हम दोनों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मेरे बारे में बता दें, मेरा नाम शाइस्ता है और हस्बैंड का नाम मुनव्वर है। क्या पूछना चाहिए, क्या बता? मतलब हालात थोड़े डिस्टर्ब हैं, क्या मतलब कब तक ठीक होंगे, नेम्स बताएं हमें। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अपस्टोन के लिए, इसके लिए जो है ना, या अल्लाह वदूदों का भी पढ़ लें, ठीक है, ताकि इनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके सिलसिला, ठीक है। मजीद अपने जो प्लैनेट्स की जो कंपेटेबिलिटी चेक करा के उसकी रेमेडीज करें, ठीक है। मेरी बेटी का नाम गुलजारा है, वालदा मुसरत ज़ारा, तारीख पैदाइश 24 दिसंबर 1999, बीए ऑनर्स किया है, आगे कौन सी लाइन इख्तियार करे, क्या CSS कर सकती है? कर सकती हैं, एडमिशन आप ले लें, ठीक है जी। अच्छा जी, जेब कह रही हैं जी, जेब दुआ ब्लॉग हैं मेरी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शौकत अहमद, डेट ऑफ बर्थ 1988, बकरा ईद को पैदा होएगी। क्या पूछना चाह रहे हैं? अपने वाले से जानना चाह रहे हैं, शौकत नाम है, शौकत अहमद। क्या बताऊँ, बहुत सी सवाल तो पूछे ना, प्लीज क्वेश्चन तो लिखा करें। सर, मेरा नाम फातिमा है, हस्बैंड का नाम खालिद है, मेरे हालात कब ठीक होंगे? एफ और के की कंपेटेबिलिटी, हालात, पैसा, कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है जी। अच्छा जी, माय नेम इज़ अनम रमज़ान, आई डोंट नो माय डेट ऑफ बर्थ, प्लीज़ बता दें मेरा स्टार कौन सा है, नाम से तो एरीज है। हाँ, एरीज। ठीक है, आप इसे बता रहे हैं। अच्छा जी, आपने पूछा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता रहे हैं, इसने सही जवाब नहीं दिया, अब आपसे कह रही है कि आप एस्ट्रोलॉजी इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछा करें कि जो आप रीडिंग दे रहे हैं, सुन सन साइन है, मून साइन है, ये मैंने पूछा है इनसे सवाल, अयूब भाई मैंने पूछा है इनसे क्वेश्चन, दोबारा इनको वजात कर देते हैं ना, अगर कहते हैं तो दोबारा। देखिए, मैं जो बर्थ चार्ट बनाता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बताता हूँ, उसमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ, तीन चीज़ों से एनालिसिस देखा जाता है उसमें, D1 चार्ट, D9 चार्ट, बर्गर चार्ट, उसके दशा, अंतर दशा और बहुत सी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद फिर उसका एनालिसिस किया। इस वीडियो में जहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन दी जाती है, आपके जो नाम के हरफ के लिहाज से उसकी रीडिंग दी जाती है, ठीक है, असल आपको बर्थ चार्ट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। मोहम्मद जमान चौधरी साहब कह रहे हैं, फलक शेख भाई बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जमान साहब, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं ये। मेरा नाम सलमा, वालदा का नाम गुलशान, डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1983, सवाए परेशानी के और कुछ नहीं है, ज़िंदगी में बेहतरी कब आ सकती है? सलमा, परेशानी तो सबके साथ है, कुछ ज़िंदगी में दो भी शख्स हैं, इंसान है, दूसरी हाँ, परेशानी तो हर एक के साथ है, लेकिन ये उसको हैंडल करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको रेमेडीज का तरीका कर पता हो, अपने जायचे के मुताबिक एनालिसिस करवाएं, उसका आपको रेमेडीज पता चलेंगे सर, ठीक है जी। मोहम्मद ज़ुहेबी मेरे फ्रेंड हैं जी, गुड वर्क शेख साहब, थैंक यू जी। जुपिटर तो जेमिनी में ट्रांसफ़र हो रहा है,
जर्मनी में हो रहा है सर? देखिए वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बात कर रहे हैं, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, जो है जुपिटर जो है टॉरस में शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, टॉरस में हो रहा है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, बहुत अच्छा आप बताते हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। ठीक है जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, न्यू मोहब्बत का मिलने से क्या मतलब है, लव सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब मुनाफ़त है, अपनी दुकान चमकाने के लिए तमाशा शुरू किया हुआ है आप लोगों ने। ओ दिलीप साहब, हम दुकान चमका रहे हैं, चलें सर, मोहब्बत तो कहते हैं एक बार होती है, चलें नेगेटिव कमेंट भी लेने चाहिए ताकि इन लोगों को भी हम बता सकें क्या चीज़ है। हर शख्स का अपना ज़र्फ होता है, अच्छे बुरे के। हम तो यहाँ पे इस वीडियो के जरिए इल्म फैलाने के लिए, रोशनी देने के लिए बैठे हैं, और किसी बगैर किसी तस्बत के। ये तो नहीं कहा कि दूसरी मोहब्बत की तरफ चले जाएं, उन्होंने तो ये कहा था कि जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको मोहब्बत मिल सकती है, ये टॉपिक था हमारा। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने क्या लगता है इनका, दूसरा हमारा प्लेंटी मूवमेंट से तल्लक होता है, हमारा किसी की पर्सनल जिंदगी को डिस्कस तो नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, जस्ट वांट टू आस्क व्हेन माय डॉटर गेट मैरिड, लेकिन डिटेल्स की तरह डॉटर्स की, आप एडम, एडम नाम आपका है आईडी का, आप डिटेल वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम लड़की का ज़रूर दें, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अरबाब जहांगीर, मदर का नाम नुसरत मंजूर, डेट ऑफ बर्थ 28/8/1990, टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं, दुबई में हूँ, जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल रही, जॉब कब मिलेगी, बीवी बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, पॉसिबल होगा? अभी कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको उसमें। किस टाइम तक सर? 2025 तक है। ठीक है, नाम सिकंदर, मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है और कुछ अपने हवाले से जानना चाहता हूँ। नाम सिकंदर, अच्छा जी। नेक्स्ट है अदील अफजल, डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1999, कनीज आमिना, आपका जवाब दे दिया पिछले व्लॉग में। सर मैं 20 ईयर से मोहब्बत की तलाश कर रही मगर नहीं मिली, अब मैंने तलाश छोड़ दी है तो अचानक मुझे एक अननोन मैसेज आता है और हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। 21 मार्च को अब हम 15 अप्रैल को मैरिड करने वाले हैं, बहुत दिल डरता है पर क्या करूं? आई मेरी देखें, जिस तरह मैसेज है उसने शादी कर ले, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? इसमें देखें, अगर आप एक मैसेज की वजह से आप शादी कर सकते हो तो फिर तो आपको किसी चीज़ की रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखें, ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं किए जाते, उसका पूरा जिम्मेदारी से मामला तैयार किया जाता है। एक फ़ोन कॉल पे कुछ जज्बाती फैसला कर लें, मैसेज पे जज्बाती फैसला कर लें तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर तो। नहीं तो ये मतलब कि क्या पता गॉड की तरफ से, एक यूनिवर्स की तरफ से भी इंडिकेशन मैसेज आ गया हो कि यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको मैसेजिंग हो रही है तो पहले उसका भी तो तजिया करें कि मैसेजिंग हो रही है, कहीं आप गलत फैसला तो नहीं करने लगे, उसका भी तो अपने एनालिसिस करना है। नहीं चीज़ बिल्कुल, आप अपनी प्लेनेट की पोजीशन देखें, स्टार देखें और फिर दुआ करें अल्लाह से। क्या अच्छा, नाम सिकंदर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, बुरा साल 2014 था और सबसे अच्छा साल 2023 है, सर प्लीज़ इस हिसाब से ज़ोडियक साइन क्या बनता है? एस एक्वेरियस नाम से, एक्वेरियस बनता है नाम से, तो सिंपल रीडिंग है। ठीक है जी, अरफान का नाम, अरफान का नाम सही रहेगा, अरफान नाम ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर कैंसेरियन। एम ए शामी साहब, आप बहुत अच्छा बताते हैं, आपकी रीडिंग 99% एक्यूरेट होती है और आपने जो जो बताया वैसा ही मेरे साथ हो रहा है, बहुत शुक्रिया जी, वाह क्या बात है जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, प्लीज़ मेरे भाई के लिए बता दें, मेरे भाई का नाम चांद अहमद शाह है, मदर का नाम है केसरी, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मेरा नाम रूही शाह है, मेरे भाई एंगेजमेंट भी टूट गई, पता नहीं क्या मसला है मेरे भाई के साथ, प्लीज़ आप बताएं, मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं भाई के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। सेवन्थ हाउस में पोजीशन वीक है और कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा पूरा एनालिसिस करवाएं चार्ट की और दूसरा उसकी रेमेडीज करें ताकि मामला में आसानी पैदा हो सके। टॉरस मैरिज विद स्कॉर्पियन इन मंथ ऑफ मई इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, मतलब किसी की शादी भी हो रही है और आपने कहा था मैच सही होता है। ठीक है, एरिस की शादी होगी कि नहीं इस साल? एरिस की नहीं, आपकी हो जाएगी, एरिस की करा रहे हैं, सारे एरिस की हो जाएगी। देखें, इंडिविजुअल चार्ट डिफरेंट रीडिंग देता है, ठीक है, और एरिस की जनरल रीडिंग तो हमने दी थी कि एरिस सेकंड हाउस में भी जुपिटर की पोजीशन हो रही है, प्लैनेट की मूवमेंट अच्छी हो रही है, तो योग आपको बनेगा, पॉसिबिलिटी बनेगी, आपकी चांस बनेगी। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, मेरा नाम खालिदा है, मेरा भी हिसाब करवा दें। ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, शामी साहब को आप रब्ता करें, जो भी आपका क्वेश्चन है जो आप प्राइवेट में पूछना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं,
ये भी ये स्क्रीन पे जो हम लोग अपने कमेंट्स करते हैं उनको जवाब देते हैं, हर एक का जवाब इधर नहीं देते, जो लोग रापता करते हैं वो पर्सनल आपकी रीडिंग होती है इनके साथ। मेरा नाम कुर्बान अली है, मदर का नाम इकबाल बीबी है, फादर का नाम कमर अली है। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, जॉब लग गई है, अभी तक कॉल नहीं आई। डेट जॉब लग गई है लग जाएगी, ये पूछना था आपने, अभी तक कॉल नहीं आई। डेट ऑफ बर्थ 10/5/1999, नाम कुर्बान अली। टाइम लगेगा थोड़ा सा, टाइम लगेगा। आसिया नाम कैसा है? मैरिज में प्रॉब्लम है, नाम सही नहीं है, वजनी नाम है, चेंज कर लें सर ये? चेंज करें, बैलेंस करें अपने नाम को। ठीक है जी भाई, इस बारे में ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। सानिया वालदा का नाम है मुसर्रत, 13 जनवरी 1987 जुमेरात को, ट्यूसडे को ये पैदा हुई हैं शाम में। क्या पूछना है? अपने हवाले से जाना। सानिया वालदा का नाम मुसर्रत, सवाल नहीं लिखा हुआ, प्लीज़ सवाल लिखें, लेकिन कुछ बता सकते हैं सामने? देखिए बहुत सी चीज़ें, अब मैं नाजुन को बताऊँ, जैची के 12 घर होते हैं, 12 घरों की हज़ारों मनसूबा है, हज़ारों चीज़ें उसमें चीज़ें। अब मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करना चाहूँ तो ये तो वीडियो दिन रात आपका जो कॉम्प्लिकेशन हिस्सा है ना, जो सवाल का जो एक सवाल है वो करें, वो लिख दिया करें। अच्छा जी, 8/5/1995, नाम अल्लाह रखी। सवाल ये है कि इनकी शादी कब होगी और कौन से नेम पार्टनर से होगी? अल्लाह रखी के शादी कब होगी, कौन से पार्टनर नाम से हो सकती है? अल्लाह रखी को पहली बात यह कि नाम में थोड़ा सा वजनी नाम के लिहाज से, और दूसरा ये कि शादी के लिहाज से जो है ना इनका काफ और काफ से हो सकती है पॉसिबिलिटी ज़्यादा उसकी। ठीक है। जमान मजीद, 26 जनवरी 1992, क्या मेरा नाम ठीक है, फ्यूचर कैसा रहेगा थोड़ा सा? ठीक है। ठीक है जी फलक भाई, किसी का भला हो ना हो, आप एस्ट्रोलॉजर साहिबान का तो ज़रूर भला होगा व्लॉग कर कर के। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आप 10 मिनट की वीडियो देख के अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती, नॉलेज मिल जाता है। ये तो आजकल डिजिटल का दौर है तो इसमें तो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए कि आप भी करें ये चीज़, आप भी बेनिफिट है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है। जी सर, मेरी एक बात सुनिए, कॉमन सेंस की बात है, 10 मिनट आप ज़िंदगी में कंज्यूम कर रहे हैं और एक शख्स अपनी इतने 10-12 घंटे की रिसर्च निकाल के आपको 10 मिनट में आपको एक पूरी गाइडलाइन दे रहा है, ठीक है, इसमें कौन सी बुराई है मुझे बताएं? आपने, आपको ये अंदाज़ा नहीं है नाज़रीन, 8-8 घंटे की रिसर्च होती है ये जो दिन रात हमने खलंग बुक्स को पढ़ के रिसर्च करके नॉलेज को इकट्ठा करके मेहनत करके आपके लिए बना, और आप ऊपर नीचे मजाक में कमेंट कर देते हैं, कितना हर्टिंग हमारे लिए है। हर्टिंग भी अल्लाह ताला आपका भला करे जो देख रहे हैं, सबका भला करे, लेकिन आप उसको रिलेस करें कि ये इट्स नॉट ईजी जॉब, कि अल्लाह ताला हमें ड्यूटी लगाई, चलो ठीक हम कर रहे हैं, लेकिन इसको अच्छा अप्रिशिएट ही कर दें सर, तो आप चलें कोई नहीं, अल्लाह ताला सबका भला करे, वो भी हमारे, मैंने नेगेटिव कमेंट इसलिए भी लिए ताकि कोई बात नहीं, वो भी हमारे व्यूअर हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां हल करे, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है वहां वहां आप सबके मसले मसाइल हल हो जाए, दिल से दुआ है मेरी। बाकी नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं क्योंकि हमारा भला भी हो सके, तो वज़ाइफ से मौजूदात भी मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि फिर हमारा भला हो सके। शामी साहब का अपना चैनल भी है शामी रोहन टीवी, इनका भी सब्सक्राइब करें, इनका भी भला हो सके। नदीम लतीफ ऑफिशियल मेरे फादर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उनका भी फ़ायदा हो सके। दुनिया में जितने सब्सक्राइब चैनल हैं सबको आप सब्सक्राइब करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।